वैसे बहुत सुंदर लिखा है। मैंने यार देखो क्वेश्चन कर लिया है, साथ में ये देखिए बिस्किट भी खा रहा है साथ में। नहीं बताइए, वर्ल्ड वॉर टू में सबसे ज्यादा तबाही कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? रशिया में। लिखो फिर, तुझे लेसन पढ़ा है अच्छे से बुक का? इतनी सॉस, बापरे बापरे, देखो शहर को इतनी सॉस। डोरेमोन का थोड़ा सा आया, ये देखो डोरेमोन लग रहा है। गाइस मैगी बन चुकी है और मैगी बहुत टेस्टी है और इसको देख के ही मजा आ रहा है। इसके खाकर इसको फीलिंग जो आएगी वो तो अलग है, पर जो मैगी है उसको देखकर ही मजा आ चुका है। और एक्चुअली हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर का टाइम है, सहज की क्लासेस खत्म हो चुकी है तो हम लोग मैगी बनाने लग गए हैं। तो वहाँ पर वीडियो मेकर स्टार्ट कर लेते हैं, आज सुबह से वीडियो स्टार्ट नहीं हुई, काम बहुत थे। तो चलो यहाँ पर हम मैगी बना रहे हैं और इधर देखिए सहज है। गाइस मैगी तो बनी चुकी है, वैसे ऑलमोस्ट बन गई है। और इधर मैंने पानी गर्म रखा, बॉटल के मैं डाल लूंगी पानी। मैगी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, ना सूप वाली मैगी पीनी है। साइड पे हो जाओ, तेरा हाथ जल जाएगा सहज। मिल तो रहा है यार। गाइस मैगी बन चुकी है, अभी प्लेट में डालेंगे। ऑलमोस्ट डन है, अभी नहीं, अभी रुको थोड़ी सी। सूपी मैगी पसंद है मेरे को, मैं यही खानी है। बस बन गई है। वाली लेनी आपने? हाँ हाँ बन गई बन गई। तो फिर बंद कर देते हैं मैगी। हाँ। आवर डन है। चलो सहज को डाल कर देते हैं। मैगी बन गई, रुक जाओ अभी अभी नहीं, धुओं को साइड करने दो एक मिनट, अभी मैं डालना। मॉम कोई बात नहीं, इसको ऐसे डाल देते हैं। एंड मैगी डल चुकी है, सूखी मैगी हमारी पूरी की पूरी मेरे को डाल दी मम्मी ने, क्योंकि मम्मी ने खानी नहीं है, मम्मी को पसंद नहीं है ये, पता नहीं क्यों। मुझे मैगी नहीं खानी है, सब डस्टबिन में डालना है। ठीक है, तो मैं अपनी मैगी एंजॉय करता हूँ। बहुत ज्यादा गर्म है, मैंने हाथ में पकड़ी थी। सॉस डालेंगे, किसान टमाटो सॉस, नॉट स्पॉन्सर्ड। अभी इसको ना एकदम शेप में, फॉर्क चाहिए कि दूसरा चम्मच? दोनों। इसको एक दो ना आइस बनाएंगे इसकी। मैं पहले डस्टबिन में तो मैगी के हमने दो आइस बना दिए हैं। अब देखिए ये देखिए गाइस कितना अच्छा हमने बना दिया मैगी की। बहुत अच्छा, इतनी ज्यादा सॉस डाल दी, गला खराब हो जाएगा तेरा। इतनी सॉस, बापरे बापरे, देखो शहर को इतनी सॉस डाल। एक डोरेमोन का थोड़ा सा आया, ये देखो डोरेमोन लग रहा है ना। यार स्पून नीचे गिर जाएंगे आपके, आप खाओ चल के। हमला बोल देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मैं बीच में सब्जियां लेने चले गई थी, बाहर ना सब्जी वाला आ गया था तो मैंने सोचा चलो सब्जियां लेकर रख लेती हूँ। चाय मेरी देखिए बन रही है, ऑलमोस्ट बन चुकी है, चाय निकाल लेती हूँ मैं, तो फिर चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ ये वाली पत्ता गोभी होती है ना, पत्ता गोभी बनाऊंगी। तो मैंने प्याज कट कर लिया है, मटर भी डालने वाली हूँ इसमें, और इसमें मैं ऐड करूँगी पोटैटो। सब कुछ काट कर रख लिया है, बस मेरे कटने वाले हैं टमाटर वगैरह। पहले मैं तड़का रख देती हूँ, कढ़ाई रख देती हूँ, तो फिर आसानी से बन जाएगा। तो इसमें नॉन स्टिक में आज बनाऊँगी मैं, मैं बनाती हूँ आज। ऑन ही हुआ। चलो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना अपने वाल धोए हुए हैं तो भी सूखे नहीं है, तो मैंने ना बहुत लूज कर कर ना रबड़ बैंड डाल दिया है, क्योंकि खाना बनाना ना कहीं वाल ना चले जाएं, इसलिए अब मैं खाना बना लेती हूँ। तो पहले इसमें मैं ऑयल डाल लेती हूँ, तड़का तैयार कर लूँगी ना। तो सब्जी जल्दी, आज मैं जल्दी खाना बना रही हूँ क्योंकि आज बहुत कपड़े वॉश किए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं कपड़े सूख जाएंगे उतनी देर, तो मैं बाद में कपड़े भी संभालने, सब कुछ करना है, खाना पहले बना लेती हूँ। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी फ्रेंड्स, तेल गर्म हो जाए अच्छे से। कुछ सब्जियाँ भी ली थी मैंने, सब संभाल दी है फ्रेंड्स। तो देखिए वाल अभी बहुत गिले हैं मेरे, तो मैंने जस्ट एक रबड़ बैंड डाल दिया है, क्योंकि वो खाना बनाना है ना तो वाल खुले नहीं होने चाहिए। हमेशा हमारे बड़े कहा करते थे ना, खाना बनाओ तो वाल बिल्कुल भी आप लोगों के
खुले ना हो। जैकेट्स का बड़ा पंगा होता है ना, सब गंदे हो जाते हैं आगे से, इसको पीछे कर लेती हूँ। और अब तड़का बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है ऑलमोस्ट। तो गाइस अभी हमने थोड़ी देर पहले खाई थी मैगी, तो मम्मी अब खाना बना रहे हैं। आप जाके जल्दी जल्दी होमवर्क कर लो। मैंने 2 क्वेश्चन लिख लिए, फिर मैं आके चेक करती हूँ। 4 क्वेश्चन हैं, 2 लिख लिए। थोड़ा ही तेल डालना, मुझे ज्यादा तेल नहीं डालना। इसमें जीरा डाल दिया मैंने। जीरा? अब इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन की पेस्ट है ना ये वाली, 1 चम्मच भर कर ही ऐसे में इसमें डाल देती हूँ। थोड़ी सी और डालूंगी, तो अब इसको हिलाएंगे फ्रेंड्स। चिमनी ऑन करती ना आवाज बहुत आएगी, फिर मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती ना। तो जैसे आप लोग सब बनाते हैं वैसे ही है, मैंने सोचा चलो मैं बना रही हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ फ्रेंड्स। कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो बना नहीं रही। प्याज डाल देती हूँ। एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ रखा है, ट्राइपॉड लगाने वाला है ना, उसको ना ठीक करवा कर लेकर आए। उसका टूट गया था ऊपर से ना, जहाँ पर लगाती है ना मोबाइल, थोड़ी मुश्किल आ रही थी। प्याज डाल देती हूँ और तड़का तैयार हो जाएगा। तो ऐसे सिंपल से ढंग से बनाती हूँ पत्ता गोभी। आप मुझे बताना फ्रेंड्स, आप लोग कैसे बनाते हो। तो अब फटाफट मैं, अब देखिए मेरा फेस कैसे लग रहा है। मैंने कोई मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया हुआ, थोड़ा सा हल्का लिपस्टिक भी नहीं आज लगाया, कोई इयर रिंग भी नहीं पहने हुए, बिल्कुल ही आज सिंपल सी लग रही हूँ। मन नहीं कर रहा था, कभी कभी दिल नहीं करता ना कुछ लगाने को, जितने से सिंपल रहो। तो आज देखिए बस मैं तड़का तैयार करती हूँ और फिर थोड़ा सा रेडी हो जाएंगे। मैं इसमें डाल देती हूँ तड़का, प्याज काफ़ी भुन चुका है, इसमें टमाटर और हरी मिर्च मैंने कट कर रखी है ना, इसको इसमें ऐड कर देती हूँ। अब अच्छे से भुन जाएगा ये, तो फिर इसमें कुछ और ऐड करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, प्याज और टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं, थोड़ा सा और भुन जाए ये टमाटर। बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्या क्योंकि हमें ग्रेवी तो बनानी नहीं है ना, सूखी सब्जी बनानी है। सूखी सब्जी के लिए इतनी ज़्यादा ग्रेवी की ज़रूरत नहीं होती। इसको अब मैं इसमें सब मसाले डाल देती हूँ। इसमें गरम मसाला डालूँगी ऐसे, और इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा लाल मिर्ची, थोड़ी सी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि हरी मिर्ची डाल रखी है ऑलरेडी। और मैं डालूँगी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से बहुत ज़रूरी है, जैसे फिर से फ्रेंड्स कैसे वायरस बना है, तो हल्दी बहुत ज़रूरी होती है। हल्दी वाला दूध भी लेना चाहिए हमें ना, बहुत लेकिन बहुत कड़वा लगता है। और थोड़ा सा नमक और डाल दूँगी, मैंने पहले भी नमक डाल रखा है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हो फ्रेंड्स, जितना लेते हो। इसको थोड़ा सा अच्छे से भून लेते हैं, तो एक हाथ से होता नहीं ना, कढ़ाई को पकड़ना पड़ता है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से भून जाए, मसाले अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें लग गया, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, थोड़ा सा हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं मुझे ऐड करना, कि जो मैंने मसाले डाले हैं ना, तो इसमें अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए। तड़के में ना अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा ना, तो फिर बहुत अच्छे बनेगा ना। तो देखिए मसाले अच्छे से इसमें जा चुके हैं, जो भी मैंने सूखे मसाले डाले हैं सब इसमें जा चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी, पहले ऐड करूँगी इसमें मैं, देखिए मटर और आलू, इसको धो कर रखा हुआ है मैंने यहाँ पर, इनको ऐड कर देती हूँ। सब्जी अगर टाइम से बनी हो ना, एक्चुअली पता क्या, मुझे ना शहर को मैथ का काम करवाना भी है, तो उसके लिए मुझे इसके पास बैठना पड़ेगा। बाकी होमवर्क तो कर लेता है, मैथ तो करवाना पड़ता है, मैथ और ग्रामर सब ये ऐसी चीज़ें सब करवानी पड़ती है। अब कभी कभी कोई देखो एक आलू रह गया इसके बीच में, को काट देती हूँ, कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो बच्चों को कराना पड़ते हैं ना, कुछ चीज़ें हमें करवानी पड़ती है। एक्चुअली क्या होता है कि उन पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे ना, तो फिर ऑलरेडी उनकी स्टडी में तो कितना लॉस हो रहा है ना फ्रेंड्स, ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद नहीं है ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन क्या करें, वायरस से बचाने के लिए बच्चों को ऐसे देना पड़ता है ना। देखिए आलू को काट देती हूँ, एक हाथ से नहीं हो रहा,
तो यहाँ पे फोन रखूंगी। फ्रेंड्स आलू को मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर ना आलू और मटर को ना अच्छे से पका लेती हूँ और फिर इसमें ऐड करूंगी पत्ता गोभी, ठीक है, क्योंकि पत्ता गोभी थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी, ये थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। इसको मैं थोड़ा सा इसके ऊपर इसका ढक्कन देकर इसको स्टीम पर बना लेते हैं। ये बन जाएगी थोड़ी देर, इसको बनने देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। देखिए अभी मैं जल्दी जल्दी सब्जी बना रही हूँ और ये देखिए मटर भी यहाँ पर पड़े हुए हैं मेरे भी, इनको मैं निकालूंगी। धनिया इनको धोना है। एक्चुअली ना आज हमें बाहर ना हमारे जो पानी आता है ना आज बाहर से बंद किया था तो वो चलाना भूल गई मैं, तो पानी ख़त्म हो चुका है। अभी 5 बजे फिर आ जाएगा पानी, तो फिर पानी आता है मैं सब सब्जियाँ धो कर रख लूँगी। हमेशा मैं धोकर और मटर निकाल कर रख लेती हूँ, उससे बहुत आसानी हो जाती है ना फ्रेंड्स। देखिए गोभी को मैंने भी धो कर रखा है, पत्ता गोभी को पानी में, तो इसको निकाल देती हूँ अभी। एक क्वेश्चन करके ना फिर मैंने कर चुका हूँ, मैंने चैप्टर किया जगदीश चंद्र बोस, अगर आप भी 6th में पढ़ते हैं तो आपने ये किया होगा। पंजाबी कहाँ होगी, जिनकी पंजाबी होगी वही किया होगा ना, किया होगा उन्होंने। तो मैंने वो आज कर लिया है खत्म, काफी दिनों का तो मेरा नहीं था, कल ही कराया मैं। देखिए फ्रेंड्स गोभी को मैंने निकाल दिया है और ये सब बाहर रख देती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स आलू और मटर अच्छे से बन चुके हैं, तब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पत्ता गोभी जो मैंने रखी हुई है ना कट कर, उसको ऐड कर देती हूँ। अब देखिए मैंने अपने हेयर भी बना लिए हैं और लिपस्टिक लगा ली है एज यूजल, इतना सही मेकअप करती हूँ मैं घर पर, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं अच्छा नहीं लगता। बिंदी लगाती हूँ लेकिन आज नहीं लगाई मैंने, आज मेरा ध्यान ही नहीं गया, अभी बिंदी लगा लेती हूँ, अभी लगा लेती हूँ, अच्छी लगती है ना, लगानी चाहिए हमें। तो अब मैं इसको हिला देती हूँ, बाहर मत गिरो भी। कौन आया है घर पर, हमारे घर पर आया कोई नहीं, तो हमारी बैली है पास वालों की बैल है ना, नेबर्स भी कोई आया होगा। कर रहे हो तुम अपना काम? नहीं। क्यों नहीं कर रहे? वैसे बहुत सुंदर लिखा है, मैंने देखो क्वेश्चन कर लिया है। साथ में ये देखिए बिस्किट भी खा रहा है साथ में। नहीं ये मेरे मैं मेरे नहीं, इसको डस्टबिन में डालो, खाने हैं जो यार अभी बीच में इसके। हाँ ओके, तो गाइस देखिए ये है मेरा पेन जिसको पिच पिच पू 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 इतने पेन लेता है फ्रेंड्स 50। ये देखिए एक अभी नया पड़ा है तो सभी खराब करके छोड़ देता है, ये अभी तक नया पड़ा है और ये भी यूज नहीं आ रहा, इतने पेन बहुत पेन खराब किए, देखिए कितने पेन पड़े हुए हैं, ऐसे ही फेंक देता है। गाइस देखिए चलो मेरी मदद कीजिए, बताइए दूस वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज्यादा तबाही कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? रशिया में। लिखो फिर, तुझे लेसन पढ़ा है अच्छे से? बुक कहाँ है आपकी? बुक बैग में, मेरे को यहाँ से आंसर ढूंढ के ढूंढने पड़ेंगे, तो चलिए मैं ढूंढता हूँ और मम्मी जी आप अपना सब्जी बनाएंगे। सब्जी मेरी बन गई है, मैं ऊपर जा रही हूँ कपड़े लेने के लिए, तब तक तुम ये स्मॉल क्वेश्चन कर लो, तब कैमरा यहाँ लगा जाओ, तो मैं आकर आपको फिर मैथ करवा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितने कपड़े मैंने डाल रखे हैं, कपड़े निकालते हैं लेकर चलते हैं नीचे, आज बहुत अच्छी धूप थी। फ्लावर्स भी देखिए ये थोड़े से सूख रहा है ना बारिश ज़्यादा होने के कारण, अब धूप निकलनी स्टार्ट हो गई है तो अब सब ठीक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने कपड़े डाल रखे हैं, यहाँ पर बहुत धूप थी तो यहाँ पर डाल दिए थे, अब सब लेकर चलते हैं नीचे। अब नीचे लेकर जाती हूँ सब, 3-4 चक्कर लगेंगे मेरे नीचे जाने के लिए, इससे क्या होता थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी मेरी ना पौड़ियों के ऊपर, इसीलिए मैं कपड़े ज़्यादा ऊपर डालती हूँ फ्रेंड्स, इससे क्या होता थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है। ये देखिए एक पेंटिंग देख लीजिए, पेंटिंग है फ्रेंड्स ये वाली, हाथ की बनी हुई है लेकिन अनकम्प्लीट है, पूरी कम्प्लीट नहीं है एक्चुअली ना, ये मेरे हस्बैंड के नाना जी ने उन्होंने बनाई है, तो उनकी डेथ हो गई थी बाद में उनकी अनकम्प्लीट पड़ी हुई थी तो हम लोग ले आए, तो यहाँ कहीं लगती नहीं है, मैंने यहाँ पर लगा रखी है सीढ़ियों में ना, अच्छी लगती है। तो चलते हैं नीचे सब कपड़े ले लेकर।
अब देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बन चुकी है और कपड़े सब संभाल दिए मैंने, सबकी अलमारी में अलग अलग सेट कर दिए हैं। तो यहाँ पर इस व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। देखिए नेल पॉलिश भी नहीं लगी, बड़े दिनों से कुछ लगा नहीं नेल पर, तो इसकी शेप बनने वाली है, तो इसकी मैं शेप कर लेती हूँ, देखती हूँ आज टाइम लगा तो कर लूँगी और नेल पॉलिश लगाऊंगी सुंदर सी कोई, फिर कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो इसी तरह हमें ना घर के साथ साथ अपना भी खुद का भी ध्यान रखना चाहिए ना हमें, ये नहीं तो हम अपना ध्यान ही ना रखें। इसका मैं व्लॉग बनाऊँगी नेक्स्ट, तो आप बने रहिएगा इसी तरह फ्रेंड्स वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में जाकर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, इंटरेस्टिंग लेकर आएंगे कुछ, तब तक के लिए फ्रेंड्स ओके, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।